इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा आता है आपके सामने व्हाट्सएप पर चेंज इट दियर फोन नंबर, यू आर रिसेंटली चैटिंग विद दियर न्यू नंबर, टैप टू ऐड एंड योर कॉन्टैक्ट, तो इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो ये सिस्टम रहता क्या है, अब देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें रहती हैं। सिंपल ही सी बात मान लो, मैं आपकी आपके मतलब कन्फ्यूज़न तो आपको यही होती होगी कि ये रहता क्या है। देखिए आप कांटेक्ट करते हैं मान के चलिए एक नंबर से जिसका नंबर है 100, ठीक है, 100, ठीक है। अब वो जो है आपको मैसेज करता है, आपसे बात करता है, आपसे चीट करता है। लेकिन रिसेंटली एक फीचर रहता है व्हाट्सएप के अंदर, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर वो नंबर, वो जो फीचर होता है वो यहाँ पर होता है। अकाउंट पर आप जाएंगे तो चेंज नंबर वाला होता है, यहाँ पर आपको डिलीट नहीं करना होता है अपने अकाउंट का, यहाँ पर आपको पुराना नंबर डालना होता है और यहाँ पर न्यू नंबर डालना होता है, ठीक है। जब आप न्यू नंबर डालते हैं तो ठीक है, न्यू नंबर डालकर वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं तो आपको क्या लिखा हुआ आता है, तो आपको ये लिखा हुआ आता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि ये लिखा हुआ क्यों आता है आपको, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। बेसिकली जब कोई नंबर चेंज करता है तो लिखा हुआ था। अब ये बोलता है व्हाट्सएप कि आप इससे भी जो है चैटिंग कर सकते हैं, ये बंदे का न्यू नंबर है और व्हाट्सएप व्हाट्सएप को इसने बता दिया है, तो आप इसको ऐड कर लीजिए और इसको रन कर लीजिए। यानी कि आप नंबर बंद कर रहे हैं और आपने नंबर बंद भी नहीं किया, लोगों के पास वही नंबर चेंज होकर दोबारा आ जाएगा या फिर वहां पर सिंबल आ जाएगा चेंज कर सकते हैं इस नंबर को और फिर उस बंदे से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन देने के लिए होता है सिंपली। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर देखिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।